Hello everyone, I am Amit Vilay and welcome to you all in my YouTube channel Economics and Opportunity. So, आज के वीडियो में हम देखेंगे और समझेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. लेकिन उससे पहले हम उसके कुछ की पॉइंट्स और कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में समझेंगे, जिससे हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझने में बहुत ही आसानी होगी. सो लेट स्टार्ट. जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में, फोर सेक्टर इन मैक्रो इकोनॉमी. जब भी हम सेक्टर्स की बात करते हैं तो हमें हमेशा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरेसरी सेक्टर्स के बारे में ही सुना है. लेकिन ये जो सेक्टर्स हैं वो क्या हैं, इनसे डिफर हैं. प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरेसरी सेक्टर, ये प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी में इन्वॉल्व होते हैं. यहाँ पर चार डिफरेंट सेक्टर दिए हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, फार्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरन सेक्टर. इनको डिवाइड किया गया है इनके कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग और इनकी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग इन द इकोनॉमी. सो फर्स्ट सेक्टर जो है हाउस होल्ड सेक्टर, ये क्या होता है एक्चुअल में, द प्राइमरी रोल ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर इज अ कंजम्पशन. जो भी कोई कंजम्पशन करता है वो सब किस में आते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर्स में आते हैं. कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, कंजम्पशन का मतलब यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग आवर डिमांड. हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का जो यूज़ करते हैं वही क्या होता है, कंजम्पशन होता है. इट इंक्लूड द इंटायर वांट एंड नीड्स सेटिस्फाइंग पॉपुलेशन ऑफ द इकोनॉमी. इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं, वो सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं जिनकी कुछ ज़रूरतें होती हैं, वांट्स होती हैं. तो आप समझ सकते हैं जो हम लोग हैं हम किससे रिलेट कर रहे हैं, हाउस होल्ड सेक्टर से रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं. तो हम समझ सकते हैं कि जो मेन काम होता है हाउस होल्ड सेक्टर का वो क्या होता है, कंजम्पशन होता है. एंड आल्सो ओन ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का भी ओनर होता है. मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, वो फैक्टर्स जो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं. इट मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सभी क्या हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. सो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो कंजम्पशन है और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये दोनों जो काम है किसका है, हाउस होल्ड सेक्टर. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ओन करने का काम किसका है, हाउस होल्ड सेक्टर का है. ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है फार्म सेक्टर. फार्म सेक्टर का मतलब यहाँ पर क्या है, आप समझ ही सकते हैं, जो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द प्रॉफिट मोटिव. तो यहाँ क्या है, प्रॉफिट मोटिवेट फार्म्स दैट एंगेज इन द प्रोडक्शन. प्रॉफिट के लिए ही फर्म क्या करती है, प्रोडक्शन करती है. प्रोडक्शन किसका करती है, गुड्स एंड सर्विसेज का करती है. तो आप समझ पा रहे होंगे फर्म सेक्टर क्या होता है. थर्ड वन जो सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर. गवर्नमेंट सेक्टर मतलब कि क्या है, गवर्नमेंट से हैं. यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है, यूनियन गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, लोकल गवर्नमेंट हो सकती है. द गवर्नमेंट सेक्टर इंक्लूड ऑल द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल, स्टेट एंड लोकल. कौन होते हैं ये, पॉलिसी मेकर्स होते हैं. कलेक्टिंग एंड स्पेंडिंग टैक्स रेवेन्यू, क्या करती है गवर्नमेंट, टैक्स को कलेक्ट करती है और स्पेंड करती है फॉर द सोशल वेलफेयर एंड अनदर इकोनॉमिक कॉजेज. डिफरेंट इकोनॉमिक कॉजेज के लिए क्या किया जाता है, गवर्नमेंट खर्च करती है. तो आपको समझ में आ रहा होगा हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है, फार्म सेक्टर क्या होता है और गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है. अगर हम फोर्थ सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर क्या है, फॉरेन सेक्टर. फॉरेन सेक्टर इट मीन्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. फॉरेन सेक्टर्स में क्या होता है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट को इन्वॉल्व किया जाता है. ये हमारे इकोनॉमिक रिलेशन को शो करता है किसके साथ, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक सेक्टर और दिया हुआ है, ये थोड़ा सा फोर सेक्टर से डिफर होता है. इसको क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल सेक्टर बोला जाता है, या फाइनेंशियल मार्केट भी हम बोल सकते हैं. क्या इन्वॉल्व करता है, द फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड बैंक एंड नॉन बैंक इंटरमीडिएट दैट इंगेज इन द बोरोविंग सेविंग फ्रॉम हाउस होल्ड एंड लेंडिंग इन्वेस्टमेंट इन द फर्म. देखिए क्या है, बैंक एंड नॉन बैंक जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं, जो क्या करते हैं, या तो लेंडिंग करते हैं, इट मीन्स इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, और साथ साथ जो इनकरेज करते हैं हाउस होल्ड की सेविंग को एज अ डिपॉजिट. डिपॉजिट कहाँ जमा करते हैं, हम बैंक में जमा करते हैं. तो आप सिंपली बोल सकते हैं फाइनेंशियल सेक्टर क्या है, बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एजेंसीज हैं, या बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, नेक्स्ट वन जो पॉइंट दिया हुआ है, तो हम यहाँ समझ गए हैं कि चार सेक्टर्स होते हैं. एक डिफर सेक्टर होता है फाइनेंशियल सेक्टर. देन नेक्स्ट अगर बात करें तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने बता चुका हूँ, इन द इकोनॉमी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन
रिसोर्सेज और इनपुट आर व्हाट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं वही क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, वही क्या होते हैं, इनपुट होते हैं या प्रोडक्शन होते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं इसको। टू प्रोड्यूस आउटपुट दैट इज़ फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज, जो आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं फिनिश गुड्स के फॉर्म में होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, फ्यूल एक्सेट्रा, ये सब क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। नेक्स्ट दिया हुआ है फैक्टर इनकम, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट दिया है, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, ये नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम को इंक्लूड किया जाता है, ट्रांसफर इनकम को नहीं किया जाता है। तो हम समझ लेते हैं क्या होता है, फैक्टर इनकम इज द इनकम रिसीव फ्रॉम द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, समझ में ही आ रहा है, टर्म से समझ में आ रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो भी इनकम हुई वही क्या हो गई, फैक्टर इनकम। द इनपुट यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू मेक एन इकोनॉमिक प्रॉफिट सच एज रेंट, वेजेस, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। देखिए क्या होता है कि जो भी इनपुट्स को यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन में, अगर हम बोलें कि हम लैंड का यूज़ कर रहे हैं तो लैंड के लिए कुछ ना कुछ पे करना होगा, जैसे रेंट पे करना होगा। अगर हम वर्कर्स को यूज़ कर रहे हैं या लेबर्स को यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें क्या सैलरी या वेजेस प्रोवाइड करना होगा। वहीं पर अगर हम किसी तरह की भी सर्विसेज ले रहे हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ रेमुनरेशन पे करना होगा, और यही रेमुनरेशन क्या होता है, फैक्टर इनकम होता है। मतलब कि जो प्रोवाइड कर रहा है उसकी क्या हो रही है, इनकम हो रही है। अगर हम ट्रांसफ़र इनकम की बात करें तो ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है, ट्रांसफ़र इनकम इट कंप्राइज गिफ्ट, सब्सिडीज, डोनेशन, स्कॉलरशिप एक्सेट्रा, इट इज़ रिसीव विदाउट प्रोवाइडिंग एनी गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न, इन इट इज़ एन अनअर्न इनकम, रिसिप्ट कॉन्सेप्ट होता है, इट इज़ अ यूनिलेटरल पेमेंट बोल सकते हैं। ट्रांसफ़र इनकम का मतलब यहाँ पर क्या है, इसको हम कमाते नहीं हैं, मतलब विदाउट प्रोवाइडिंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज या विदाउट रेंटरिंग एनी सर्विसेज, जो वन साइडेड इनकम होती है वो क्या होती है, ट्रांसफ़र इनकम होती है। जैसे कि अगर आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी देते हैं तो ये फैक्टर इनकम ना होके क्या है, ट्रांसफ़र इनकम है, क्योंकि इसके लिए आपने कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की है अपने पेरेंट्स को, जिससे कि क्या हो, आपने अर्न की हो, ये आपको वन साइडेड मिली है, किसने दी है, पेरेंट्स ने दी है। इसी तरह इकोनॉमी में भी क्या होता है, जैसे गिफ्ट्स होते हैं, सब्सिडीज होती है, डोनेशंस होते हैं, स्कॉलरशिप्स होती हैं, ये सब क्या है, ट्रांसफ़र इनकम है, ये वन साइडेड इनकम होती है। तो आपको मुझे लगता है कि समझ में आया होगा फैक्टर इनकम क्या होती है और ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है। फैक्टर इनकम टू साइडेड इनकम है, इट मीन्स जब सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है तो उसके बदले में जो इनकम हो रही है वो क्या है, फैक्टर इनकम। ट्रांसफ़र इनकम क्या है, वन साइडेड इनकम है, विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विसेज मिलती है। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है, देखिए टू सेक्टर इकोनॉमी या सिंपल इकोनॉमी क्या होता है, जब हम इकोनॉमी में ओनली टू सेक्टर की स्टडी करते हैं तो वो क्या होगा, टू सेक्टर इकोनॉमी। अ टू सेक्टर मॉडल ऑफ एन इकोनॉमी कंसिस्ट ओनली हाउस होल्ड एंड बिजनेस फार्म सेक्टर वेयर ओनली कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर टेक प्लेस। देखिए यहाँ पर सिर्फ दो सेक्टर या का मतलब क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर है और अनदर वन क्या है, बिजनेस सेक्टर है। क्या करते हैं, हाउस होल्ड कंजम्पशन करता है हमें पता ही है, और बिजनेस क्या करता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करता है। तो हम यहाँ समझ गए हैं कि जो टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है, कंजम्पशन होता है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, और क्या होता है, हाउस होल्ड और फर्म सेक्टर क्या होते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम थ्री सेक्टर की बात करें तो थ्री सेक्टर इकोनॉमी में क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। मतलब हमने यहाँ पर एक सेक्टर को और क्या कर लिया, बढ़ा लिया। पहले जो टू सेक्टर इकोनॉमी था उसमें कौन एक्सक्लूड थे, गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर एक्सक्लूड थे, यहाँ पर लेकिन क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर इन्वॉल्व है। देयर इज़ अ नो फॉरेन सेक्टर, थ्री सेक्टर इकोनॉमी में क्या नहीं होता, फॉरेन सेक्टर नहीं होता। इट मीन्स देयर इज़ अ नो इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब कोई भी हमारे इंटरनेशनल रिलेशन नहीं होते, इंटरनेशनल रिलेशन नहीं होंगे तो क्या नहीं होगा, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो थ्री सेक्टर इकोनॉमी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट नहीं होता, इसलिए इसको क्या भी बोला जाता है, क्लोज्ड इकोनॉमी भी बोला जाता है। विच मीन इन एन इकोनॉमी विच हैज़ नो इकोनॉमिक रिलेशन विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आप समझ गए होंगे कि थ्री सेक्टर इकोनॉमी क्या होता है। अब जो नेक्स्ट है, फोर सेक्टर इकोनॉमी या ओपन इकोनॉमी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होंगे, फोर सेक्टर इट मीन्स हाउस होल्ड सेक्टर, फार्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और लास्ट वन जो है फॉरेन सेक्टर, चारों क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। कंसिस्ट ऑफ हाउस होल्ड, फार्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर, इट मीन्स द इन्वॉल्व ऑफ
इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, मतलब यहाँ पर क्या है कि जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, इकोनॉमिक रिलेशन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, वो किस में होते हैं? फोर सेक्टर्स में होते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उनमें इन सभी फोर सेक्टर का अपना अपना क्या होता है, रोल होता है, कौन किसको क्या प्रोवाइड करता है, कौन किस पर कैसे डिपेंड है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।